इमरान जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए और आरक्षण का मकसद यही था, आरक्षण का मकसद नौकरी से ज्यादा था कि हमारे समाज में भेदभाव मिटे, हम सबको एक समान देखें, हम सबको एक समान मौके दें। लेकिन 76 साल बाद इस देश में कई पार्टियां जाति के नाम पे बनी, कई सरकारें बनी, कई मंत्री, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज भी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज भी हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह रही कि आज भी आरक्षण, जिसे हम कहते हैं कि पिछड़ों का उत्थान हो जाएगा, दलितों का उत्थान हो जाएगा, यह राजनीति का मकसद ज्यादा और सामाजिक भेदभाव मिटाने का मकसद कम नजर आ रहा है। ये जो नीतीश कुमार कर पूरी चर्चा कर रहे हैं, भीम संसद कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या क्या मकसद है आपका? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है उस पर मैं साफ कर दूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी अपनी बातों को रखा और वो अपने पार्टी लाइन के आधार पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि यह देश का मामला और आजादी से इतने लंबे अरसे तक देश की जनता का एससी एसटी ओबीसी के तरक्की की बात हो रही है, उसके विकास की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बात कही थी उन्होंने कि चाहे किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दिया जाए, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दिया जाए, अगर उसको संचालन करने वाला व्यक्ति बुरा होगा तो उस संविधान का प्रभाव भी बुरा हो जाएगा। और इसी के वजह से आजादी के इतने लंबे अरसे बीतने के बावजूद भी इन वर्गों के लोगों को जो होना चाहिए तरक्की, जो होना चाहिए मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, वो नहीं हो पाया, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे रहे जो हमेशा लोगों को बेबस, लाचार और गुलाम बनाए रखने की साजिश रचते रहे। और आज की तारीख में मैं कहता हूं, इतने लंबे अरसे के बीतने के बावजूद जो देश में हो रहा है 9 साल के अंदर, देश की जनता देख रही है। अपनी अपनी सफाई देने से कुछ नहीं बनता, देश की जनता देख रही है कि आज किस तरह से देश के संविधान पर खतरा हो गया, देश के संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और देश के संविधान में जो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, उस पर सबसे भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है, देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जातीय गणना की जो हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा भारतीय जनता पार्टी के, कि जातीय गणना से देश को फायदा नहीं होगा, आर्थिक गणना होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर उसकी जो है आकलन होना चाहिए उसका। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देश में नौकरी बांटी जाएगी उस समय जाति लिखी जाएगी, आधार कार्ड बनेगा जाति लिखी जाएगी, देश में हर व्यवस्था जाति के आधार पर है, सामाजिक हकीकत है जाति, समाज में एक बहुत बड़ी हकीकत है जाति, और जाति के आधार पर ही मैं साफ साफ कहता हूं कि केंद्रीय सचिवालय में कितने लोग हैं ओबीसी के, कितने लोग हैं एससी के, कितने लोग हैं एससी के, ये जरा बता पाएंगे? मैं साफ कहता हूं, न्यायपालिका में देख लीजिए, लेकिन हिमराज जी पूरा टाइम दिया आपको, हिमराज जी कितने लोग हैं ओबीसी के, कितने लोग हैं एसटी के, आधार पर ही ये सामाजिक ढांचे के आधार पर ही ये व्यवस्था जो आज तक चल रही है, इमराज जी का भुगतान ठीक है देश की जनता, ठीक है आपने ये बता दिया। आप नीतीश कुमार ने ये सर्वे करा दिया, सुन लीजिए हेमराज जी, सुन लीजिए, नीतीश कुमार ने ये सर्वे करा दिया कि कितने लोग ओबीसी के हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये पूरा डाटा दे दिया, लेकिन आर्थिक सर्वे क्यों नहीं कराया जब आप यही करा रहे था? मकसद ये नहीं है कि जातियां कितनी हैं, मकसद ये है कि पिछड़ी जातियां कितनी आगे बढ़ी हैं और कितने पीछे रह गई हैं। आप आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं करवा पाए? हां, आपने सवाल पर आ रहा हूं, 150 साल के इतिहास में पहली बार देश में जनगणना मोदी जी ने नहीं कराया, कोरोना का बहाना बना करके 84 से ज्यादा देशों ने दुनिया में कोरोना काल से झेलते हुए अपने देशों में जनगणना कराई है, और जब ये 21 में जनगणना नहीं करा पाए तो फिर 2026 में परिसीमन नया कैसे होगा? और परिसीमन नहीं कराना यही इनकी नियति है, इसी साजिश के तहत इन्होंने 21 में जनगणना नहीं कराया, और
26 में परिसीमन नहीं होगा, इन्होंने महिला आरक्षण बिल ला दिया, महिला आरक्षण बिल से क्या फायदा, जब परिसीमन नहीं होगा तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, मैं मुझे 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 मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर राजीव जी को थोड़ा फ्री करना है, तो राजीव जी आपका कमेंट मैं एक बार फिर चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सियासत पूरी शुरू हो गई है जाति को लेकर, लेकिन हमने देखा है कि देश में जाति का कार्ड ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां, यूपी में ज्यादा खेला जाता था, बिहार में खेला जाता था, दक्षिण में अपने अपने हिसाब से खेला जाता था, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हर जगह देखिए ओबीसी की चर्चा कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने जो डाइवर्ट किया है कि बिना जाति के देश में हम फिर से वापसी नहीं कर सकते? देखिए रवि, सवाल आपने इतना लंबा पूछ दिया कि इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। जहाँ तक जातियों की बात है, ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में जातियों की राजनीति पहले शुरू हुई। अगर सही से आप देखें तो दक्षिण भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। डीएमके, एआईडीएमके इसका उदाहरण है। और पूरे देश में देखिए, हिंदुस्तान में जाति एक हकीकत है। क्यों? हजारों सालों तक वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये समाज, ये देश चला है। आप किस जाति में पैदा हुए उससे आपका काम निर्धारित होता रहा है। समाज का एक बड़ा हिस्सा वेदों को पढ़ने से दूर किया गया, मंदिरों में जाने से दूर किया गया, पानी के पीने की जगह जगह सबके अलग अलग जगहें थीं। तो इस समाज को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। देखिए उसके कांग्रेस पार्टी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक उत्तर भारत में काशीराम नहीं आए थे और जब तक उन्होंने ये नारा नहीं दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तब तक जो पार्टियां थीं उसमें चिंतक विचारक लोग थे और जातियों के हिसाब से बातें तो किया करते थे, क्योंकि वो तो पहले से, आज़ादी के पहले भी आपने अम्बेडकर और पूना पैक्ट अगर जानते हैं तो वो तो पहले से थी। तो पार्टियां ये क्या करती थी, प्रतीक रखती थी कि हमारे पास ये दलित चेहरा है, हमारे पास ये पिछड़ा चेहरा, हमारे पास ये मुसलमान है, हमारे पास ये, ऐसे करके राजनीति होती थी कि हमारे पास दलित चेहरा भी है, हमारे पास पिछड़ा चेहरा भी है। काशीराम ने जो उभार किया उत्तर भारत में, उसके बाद पिछड़े और दलितों की जब सरकारें बनने लगी, तब उन्होंने सवर्णों को चेहरा बनाना प्रतीक शुरू किया कि हमारे में राजपूत भी हैं, हमारे में भूमिहार भी हैं, हमारे में ब्राह्मण भी हैं। ये फर्क आया 30 सालों की राजनीति में कि जो प्रतीक उधर थे वो प्रतीक इधर आने लगे। और दूसरी बात है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम होना अलग बात है, उभार होना अलग बात है, सामाजिक न्याय बहुत बड़ी चीज होती है, मैं मानता हूं। तो ये हजारों सालों का जो विभेद था वो 70 सालों के आरक्षण से खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। और मैं मानता हूं कि इस देश में जाति और धर्म, हमेशा ये बात मैं कहता हूँ, यही दो कार्ड हैं और यही दो कार्ड खेले जाएंगे। एक की जनसंख्या 85-15 दूसरे तरीके से है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की, एक की 85-15 की जनसंख्या दूसरे तरह से है, वो जो है सवर्णों की और बैकवर्ड और दलितों मुसलमानों की। ठीक है, भावना जैन।